तो दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ये ई वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो चालू होने वाला है, जैसे हमने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें भी डिस्कस किया था। तो इसी के रिगार्डिंग अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है मिसमैच की कम्युनिकेशन आप सबको भेजने वाला है जल्दी। असेसमेंट ईयर 21-22 फाइनेंशियल ईयर 20-21 को लेके अगर आपने जो ITR फाइल करी थी और जो डिपार्टमेंट के पास इन्फॉर्मेशन थी उसमें कुछ मिसमैच है तो आपके पास जल्दी ईमेल या मैसेज आने वाला है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, क्या ये ट्विटर पर जो अभी लेटेस्ट ट्वीट किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, दोस्तों प्रेस रिलीज भी इसके आई है, इसके बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे क्या ये प्रेस रिलीज है, क्या आपको करना है। तो दोस्तों इसलिए आपसे कहता हूं कि वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों चैनल पर नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि ऐसे वीडियो आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे। और आप हमें बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना क्योंकि आपको वहां पे मिलती रहेंगी रेगुलर अपडेट्स फाइनेंस और टैक्सेशन की। जी गाइस, मैंने ओपन कर लिया है इनकम टैक्स इंडिया का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट जहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट किया है ई वेरिफिकेशन को लेकर। देखिए अगर आपने अपनी फाइनेंशियल 2021 की ITR भरी थी असेसमेंट ईयर 21-22 की तो उसी के रिगार्डिंग अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिसेस तो नहीं बोलूंगा कम्युनिकेशन भेजने चालू करने वाला है। आपके पास ईमेल आ जाएगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा। दोस्तों जैसे कि आपको पता है अभी हमारा पिछले हफ्ते ही हमने एक वीडियो अपलोड करी थी, मैं आपको दिखा देता हूं हमारे चैनल पर दोस्तों एक वीडियो हमने पिछले हफ्ते अपलोड करी थी जिसके अंदर डिपार्टमेंट जो है ई वेरिफिकेशन की, ये देखिए ये वाली वीडियो है, न्यू इनकम टैक्स की न्यू ई वेरिफिकेशन स्कीम जो है आपकी चालू हो गई है। तो इसी के बारे में अब लेटेस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट किया है कि भाई पहले हम जो है किसके बारे में बात कर रहे हैं, पहले हम फाइनेंशियल ईयर 2021 और असेसमेंट ईयर 21-22 के रिगार्डिंग आपको कम्युनिकेशन भेजेंगे, आपको मेल या आपको मैसेज चला जाएगा, आप लॉगिन करके चेक कर सकते हैं कि आपने जो ITR फाइल करी है और जो हमारे पास डाटा इन्फॉर्मेशन था अवेलेबल उसमें कुछ मिसमैच है तो उसके रिगार्डिंग आपके पास इन्फॉर्मेशन जाने वाली है। तो गाइस अच्छा अब इसको पहले समझ लेते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके अंदर क्या बोला है। एज अ पार्ट ऑफ द ई वेरिफिकेशन स्कीम 2021 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज इन द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग कम्युनिकेशन टू द टैक्स पेयर पर्टेनिंग टू मिसमैच बिटवीन द इन्फॉर्मेशन फाइल्ड इन द ITR vis-a-vis information of specified financial transaction as available with the department for ITR filed for assessment year 21-22 and 20-21। देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरी तैयारी करके बैठ चुका है क्योंकि अब आपको 31 मार्च से पहले असेसमेंट ईयर 21-22 फाइनेंशियल ईयर 20-21 के बारे में मैसेज ईमेल आने वाला है। तो जिसका भी अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी अपडेट नहीं है, ज्यादातर प्रोफेशनल्स के होते हैं, अकाउंटेंट के होते हैं, किसी और के होते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले तो जाके अपना जल्दी से अपडेट कर लो, पोर्टल पे जाके अपना जो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी अपडेट कर दो ताकि कुछ कम्युनिकेशन आए तो आपको पता लग जाए, आधे लोगों को पता ही नहीं होगा कि उनके पास इस तरह का कोई मैसेज आया हुआ है। क्योंकि दोस्तों आपको इसके अगेंस्ट में जो है एक्शन लेना है, क्या एक्शन लेना है वो आगे वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरी तैयारी में है कि आपको कम्युनिकेशन जाने वाला है मिसमैच अगर आपका है, आपने जो ITR फाइल करी और जो इन्फॉर्मेशन स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की। दोस्तों स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मैंने पहले भी वीडियोस में कवर करा हुआ है, यानी कि जिनको हम हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन कह देते हैं, जिसे आपने कैश 10 लाख से ज्यादा का जमा करा दिया, 10 लाख से ज्यादा कैश निकाल लिया, करंट अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा का कैश जमा करा दिया, आपने क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट है 10 लाख से ज्यादा की कर दी, आपने शेयर परचेस कर लिए 10 लाख से ज्यादा के परचेस कर लिए। दोस्तों इस तरह की जो ये ट्रांजेक्शन होती है जिनको हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन कहते हैं, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहते हैं, इसी के रिगार्डिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर आपने 2021 फाइनेंशियल ईयर के ITR भर रखी है उसमें कुछ मिसमैच अगर आपका है तो आपके पास कम्युनिकेशन जाने वाला है। दिस कम्युनिकेशन इज बीइंग कम्युनिकेटेड टू द टैक्स पेयर थ्रू देयर ईमेल अकाउंट्स एज रजिस्टर्ड विद द ITD। जैसे मैंने बोला आपके पास जो भी ईमेल आईडी आपकी रजिस्टर्ड है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास उस ईमेल पे आपके पास ये कम्युनिकेशन आने वाला है। अच्छा बेसिकली इसमें क्या है, कहता है डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट अर्जेस टैक्स पेयर टू व्यू देयर AIS थ्रू ई फाइलिंग पोर्टल एंड फाइल अपडेटेड ITR ITRU wherever necessary। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि भाई आप पहले लॉग इन करो, अपना AIS चेक करो और वहां जाके देखो कि क्या कोई मिसमैच तो नहीं है, वहां जाके चेक करो, और जरूरत है कि आपने अपनी जो इनकम है फाइनेंशियल ईयर 2021 की असेसमेंट 21-22 के अगर गलत दिखाइए, कम दिखाइए तो आप उसको जाके ITRU फाइल कर दो, अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दो। क्योंकि दोस्तों देखो पिछले सालों की रिटर्न तो ऑब्वियसली आप रिवाइज नहीं कर सकते, लेकिन अभी आपके पास डिपार्टमेंट ने हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है कि आप ITRU फाइल कर सकते हो जिसको हम अपडेटेड ITR कहते हैं।
राइट तो एलिजिबल नॉन फाइलर्स कैन ऑल्सो फाइल देयर आईटीआर। हाँ, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी ट्रांजेक्शन तो सो रही है लेकिन उन्होंने कुछ भी अपनी आईटीआर फाइल नहीं करी, तो अभी जाके वो अपनी आईटीआर यू जरूर फाइल कर दें, क्योंकि दोस्तों आईटीआर यू फाइल करने की जो लास्ट डेट है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, असेसमेंट 21-22 के लिए, वो 31 मार्च 2024 है। तो इस चीज में देरी बिल्कुल मत करना कि अभी आप वेट करते रहो। तो दोस्तों क्या ये प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज एक बार ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ये ओपन कर रखी है प्रेस रिलीज, ये हमारी प्रेस रिलीज। तो पहले इसको समझते हैं कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। सो अगर डिपार्टमेंट कहता है कि प्रमोटिंग वॉलंटरी कंप्लायंस थ्रू ई वेरिफिकेशन स्कीम जो रिसेंटली उन्होंने चालू करी है, लास्ट डेट फॉर फाइलिंग अपडेटेड रिटर्न आईटीआर यू फाइल करने की 21-22 असेसमेंट ईयर 2021 के लिए 31 मार्च 2024 है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिसीव इंफॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ टैक्सपेयर फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मल्टीपल सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि इस पर्सन ने अपने पेन पे स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करी है, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन करी है। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया, लेट्स सपोज अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं कि अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो क्या आपको पता है कि कितना पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहिए आपको ताकि इनकम टैक्स की तरफ से प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों इसके लिए आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, हमारे चैनल पर डली हुई है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपने इस तरह की ट्रांजेक्शन करी है और आपने जो है आईटीआर फाइल नहीं करी दोस्तों, तो उस केस में कहता है टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी टू प्रमोट वॉलंटरी टैक्स कंप्लायंस दिस इन्फॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड इन द एआईएस एंड इज अवेलेबल टू द टैक्स पेयर फॉर व्यूइंग। यानी कि आप खुद जाके भी देख सकते हो अपने एआईएस में आपने क्या क्या ट्रांजेक्शन करी है। इन केस ऑफ इन सम ऑफ द केसेस आईटीआर फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 फाइनेंशियल ईयर अ मिसमैच हैज बीन आइडेंटिफाइड बिटवीन द इन्फॉर्मेशन फाइल्ड इन द आईटीआर, जो आपने इन्फॉर्मेशन फाइल करी, जो अपने आईटीआर फाइल करी, और जो जो डाटा हमारा डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल है मैं उसमें मिसमैच है, तो भैया उसको जाके आप ठीक कर लो। दोस्तों करना कैसे ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप हमारी ये वाली जो वीडियो है जाके देख सकते हैं, न्यू इनकम टैक्स की न्यू वेरिफिकेशन की मैंने कंप्लीट प्रोसेस भी बता रखा है आपको कि कैसे इसको आपको देखना है, कैसे इसका आपको रिप्लाई करना है। फिलहाल अभी हमारे पास दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी, तो मैंने सोचा आपको जल्दी से बता दूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो ई वेरिफिकेशन करने वाला है, सबसे पहले वो आपको कम्युनिकेशन ईमेल और मैसेज के थ्रू आने वाला है, और दोस्तों वो आने वाला है आपको फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए, जिसकी अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की 31 मार्च 2024 है। इसका मतलब अगर आपने ये ट्रांजेक्शन कर रखी है, आपको नहीं पता है, लॉग इन करो, पता लग जाएगा आपको ये इसमें। और अगर आप हमारी टीम से कोई हेल्प चाहते हो तो आप हमें नीचे नंबर पर कॉल कर सकते हो, हमारी टीम से बात कर सकते हो। लेकिन अगर ट्रांजेक्शन आपने कर रखी है तो आप लॉगिन करके देख सकते हो, और आपने अगर आपने आईटीआर फाइल कर रखी है और गलत फाइल कर रखी है, उसमें कुछ मिसमैच है, तो भी आप लॉगिन करके चेक कर सकते हो। और दोस्तों 31 मार्च 2024 से पहले आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी, अपडेटेड आईटीआर, अदरवाइज ये आपके लिए एक संदेश होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको फिर लीगली नोटिस भेज देगा अगर आपने इसके अगेंस्ट में कोई भी स्टेप नहीं उठाया जो ठीक रहे, जो जो सही स्टेप है, जो लीगल स्टेप है। तो गाइस ये इंफॉर्मेशन मैंने सोचा आपको जल्दी से प्रोवाइड कर दूं। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे वीडियो आपको टाइम टाइम पे मिलते रहे। थैंक यू।